उपस्थित आदरणीय मनेंद्र जैन साहब, उनके साथ आए हुए जैन परिवार के सभी भाई बहन, जिन्होंने मेरी भूमिका की, वो उदयपुरकर जी और यहाँ उपस्थित सभी कलाकार भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय व्यक्ति, सभी प्रेस के आए हुए भाई बहन और सभी को मैं पहले नमस्कार। अभी अभी उदयकर जी ने कहा कि रामलीला मैदान में अन्ना जी का भारत माता की जय जो आवाज़ निकला और उससे पूरा देश जाग गया, उसका कारण क्या था? 25 साल की उम्र में मैंने तय किया था, यंग था मैं तय किया था कि अभी आगे के लिए जब तक जीऊँगा मेरा गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा, ये मैंने व्रत लिया। इसके कारण वो अंदर से जोश निकलता कि राष्ट्र भावना, पूरा जीवन मैं अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। आज भी मुझे वही जोश है, मेरा उम्र है 79, आज भी देश में घूमता हूँ, लोगों को जगाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मनेंद्र जैन साहब ने जो प्रोड्यूसर के नाते में अपनी भूमिका बताई और उदयपुरकर जी और सब कलाकारों में इसने जो हिस्सा लिया, उसे आज प्रत्यक्ष जमीन पर हम लोगों ने जो काम किया, 12 साल में 8 लाख लोग आ गए वहाँ देखने के लिए, देश के हर हिस्से से, विदेश के 12 साल में 8 लाख लोग आ गए, उसको देखा, प्रेरणा ली, कुछ ना कुछ काम करने लगे। आज ये फिल्म के कारण अभी वो आंकड़ा जो है 8 लाख, वो सीमित नहीं रहेगा, देश के 125 करोड़ और विदेश के भी लोगों तक ये सब मैसेज चला जाएगा, ये सब मैसेज चला जाएगा कि ऐसे बन सकता है, असंभव नहीं है। हर जगह पर ऐसे काम खड़ा हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप। कौन लीडरशिप? जिसका चारित्र शुद्ध है, शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में दाग नहीं होना कोई। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए बेदाग जीवन, कार्यकर्ता का जीवन बेदाग होना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग, ये भारत की भूमि हमेशा हमें संदेश दे रही है ऋषि मुनि से कि समाज और देश के भलाई के लिए किसी ना किसी को त्याग करना पड़ता है। खेती में जवार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना खेती में, ये कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। ये मैसेज अभी जाएगा इस फिल्म के कारण कि किसी न किसी को दाना बनना पड़ेगा। अगर दाना नहीं बन गया तो वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। तो आटा बनना या जमीन में जाना, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे काम हो सकता है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति होना, अपमान, हमारे बारे में कोई हमारी निंदा करते उसको पीना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। देखो मैं 30 साल से पी रहा हूँ, इसके कारण ये काम खड़ा हो गया है। क्या है मेरे पास? सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। मंदिर में रहता हूँ,
गांव में मेरा घर है, 40 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में नहीं, त्याग। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना आप नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, मुझे करोड़ रुपए के अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट बना दिया। उससे जो इंटरेस्ट आता है, दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता हूँ। आज है सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, बस आनंद इतना है, आनंद लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता होगा, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद है। और ये सब लोग दौड़ रहे आनंद के लिए, सब दौड़ रहे आनंद के लिए, दौड़ रहे आनंद के लिए, और एयर कंडीशन में नींद की गोली लेकर सोने वाले लोग कम नहीं है। आनंद वहां है, सभी संतों ने कहा आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो पहले दूसरों को सुखी करो। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, ऐसे गांव खड़े होंगे लेकिन वो लीडरशिप जिनके जीवन में एक गुण है। अभी देखो मेरा एज हो गया 79 चल रहा है, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। 25 साल की उम्र में मुझे लगा कि शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर, अभी मैं अनुभव क्या कर रहा हूँ, सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा परिवार करना था तो बड़ा हो गया, ये सब मेरा परिवार हो गया। छोटे परिवार में क्या करना था, दो बच्चों को जन्म देना था बस, आज तो हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे काम, ये फिल्म देखने के बाद जब कहीं युवकों को प्रेरणा मिलेगी, कहीं कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी, वो प्रेरणा से उनमें यही मैसेज जाएगा कि चारित्रशील कार्यकर्ता होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना। क्यों करना ये, तो महात्मा गांधी कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, गांव को ही बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है कि गांव का लोग, गांव के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं खुद के लिए जिंदा रहूँगा, कि लेकिन मेरे पड़ोसी है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, इनके लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है। ऐसी धारणा जिनकी है वो आदमी, ऐसे आदमी जब तक खड़ा नहीं होगा। ऐसे गांधी जी क्यों कह रहे थे, इसका कारण है आज हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा दोहन कर रहे हैं, दोहन शोषण, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, मानवता का शोषण कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल रॉकेल कोयला पानी पूरा खींच रहे खींच रहे खींच रहे, ये शाश्वत डेवलपमेंट नहीं है, ये गांधी जी कहते थे, ये कभी ना कभी विनाश होगा।